सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो गाइस। आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ इस तरह का बैनर देखने को मिल जाएगा। इस तरह का बैनर हम जो आज बनाने वाले हैं गाइस, इसमें जो मैं फोटो और पीएनजी वगैरह यूज़ करूँगा, इसका सभी का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। गाइस इस बैनर को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से मिल जाता है, उधर से आप लोग जो इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। तो इधर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस इस वाले टैब में जाना है। नीचे आप लोग देख सकते हो, इस वाले टैब में जाना है। जाना आपको इधर इमेज साइज पे सिलेक्ट कर लेना है। लेने के बाद इधर आपको कस्टम मिलेगा, कस्टम पे क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों को जो यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक कर देना है। करने के बाद इधर सिंपली आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना। आप लोगों का फोटो का साइज हो वो जो है यूट्यूब बैनर की तरह हो जाएगा। तो आपको इधर न्यू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद इधर आप लोगों को तो ये जो फोटो है ना, ये जो टेक्स्ट है, इसको जो है डिलीट कर देना है। पर आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आप लोग जो इसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको एक फ़ोटो इस पर जो है ऐड करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर फोटो ऐड करने के लिए आप लोगों को जो बीच वाले ऑप्शन में जाना है। बीच वाले ऑप्शन में आने के बाद इधर फिर इधर आप लोगों को इम्पोर्ट फोटो का ऑप्शन मिलेगा। इस इम्पोर्ट फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। करने बाद आपको जो एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा फ़ोटो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ऐसी वाला फ़ोटो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फिर बाद आप लोगों जो है साइड में कॉर्नर में आप लोगों को टिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। करने बाद इसको जो है आप लोगों को खींच के इधर से लंबा कर देना, पूरा का पूरा कर देना है। कर देने के बाद आपको इस बॉक्स पर जाना है। बॉक्स पर जाने के बाद आपको लॉक का बटन दिखाई देगा, लॉक पे क्लिक कर देना आप लोगों को। चलिए हम लॉक पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका फ़ोटो जो इधर इधर नहीं हिलेगा, ये जो फिक्स हो चुका है। तो आपको जो है फिर से एक फ़ोटो इंपोर्ट करना है। चलिए हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसलिए हमें इस बार ये वाला फ़ोटो इम्पोर्ट करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा, इस वाला फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। इसे भी फिर से इसी साइज में आप लोगों को जो कर लेना है, ये हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से इसे लॉक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो फोटो इधर से नहीं मिलेगा। फिर लॉक होने के बाद आपको जो है नीचे इस वाले बटन पे जाना है, फिर से इंपोर्ट करना है एक इमेज। तो इमेज क्या है, इमेज जो ये बैकग्राउंड पीस है, मतलब बैकग्राउंड का फोटो है ये इमेज। ये रहा इमेज, आप लोग देख सकते हो। इस इमेज को जो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं इधर। फिर हम इसको जो है आप लोगों को जो है इस वाले एरिया के साइज के बराबर सिलेक्ट कर लेना है। इधर से इधर तक आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। इससे हम छोटा कर देते हैं ऐसे, इधर से इधर तक। तो हमें इतना इतना होने के बाद आप लोग जो इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस वाले बटन पे क्लिक करना है। करने बाद इधर आप लोगों को स्क्रॉल करना है। करने बाद इधर आप लोगों को देखा रिलेटिव पोजीशन, तो इस पर क्लिक कर देना है। करने बाद आपको इस दोनों पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक कर देना। इस दोनों पे हमने क्लिक कर दिया, ये फोटो जो है बीच में आ गया। इसके बाद आपको इधर राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है ये बॉक्स की आइकन में जाना है। फिर हम बॉक्स की आइकन पर क्लिक कर देते हैं। देने बाद आपको ये फ़ोटो जो है इधर पकड़ के आपको इसको नीचे लाना है। इसको नीचे मतलब बीच में लाना है, इसकी इसकी बीच में लाना है। इसको इन दोनों के बीच में ला कर छोड़ देना है। देख सकते हो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे फिर से लॉक कर देते हैं हम, ये तो इधर से नहीं हिलेगा। आपको इधर अपना लोगो इंपोर्ट करना। अभी हम जो है अपना लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं इधर से। तो ये रहा हमारा लोगो। इसे जो है आपकी बैकग्राउंड के बराबर सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना, हो जाएगा। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है। जो जो भी ऐड करो उसके बाद आपको जो है लॉक करते जाना है। फिर से आप लोगों को इंपोर्ट पे जाना है। इंस्टाग्राम का लोगो मिलेगा, मैं इंस्टाग्राम का लोगो आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का इंस्टाग्राम का लोगो मिलेगा। बस इस तीनों लोगों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उधर से आप जो है डाउनलोड कर लेना इन तीनों लोगों को। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम को जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसको जो है छोटा करना है। छोटा करने के लिए आप लोग को इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसको जो है जूम करके फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और इसको जो अभी इसको जो हम एडिट करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा इधर से हम छोटा कर लेते हैं।
इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। सर आपको इधर टेक्स्ट वाले आइकन में जाना है, जो ए लिखा है ए के आइकन में जाना है। इधर न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके इधर अपना चैनल का नाम लिखना है, मतलब अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है इंस्टाग्राम आईडी को लिख देना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है साहिद, तो पे क्लिक कर दिया। इसको भी छोटा कर देना है, आप लोगों को इस तरीके से छोटा कर देना है। बस इसको एडजस्ट कर लेते हैं इधर से। एडजस्ट करने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना है, इधर इसके ऊपर लॉक कर देना है। तो आपको जो है फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो है इस वाले 235 पे क्लिक कर देना है, जो दिखाई दे रहा आप लोगों को, हो गया। फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पर इतना हो जाने के बाद आपको जो अपना चैनल का नाम लिखना है, इधर अंदर आप लोगों को चैनल का नाम लिखना है। तो इसलिए हम अपना चैनल का नाम इधर लिख देते हैं। वैसे हम तो इसे जूम कर लेते हैं, इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। देने के बाद आपको इधर जाना है, इसका स्टाइल फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। इस फॉन्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना आप लोगों को। क्लिक करने के बाद इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। अभी गाइस हमने इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते, कुछ देख सकते हो कुछ इस तरह का स्टाइल हो जाएगा। इसको जो खींच के बड़ा कर देना आपको जितना साइज का चाहिए। तो बड़ा करने के बाद इधर आप लोग को आना है साइड में। आने वाली इधर आप लोगों को दिखेगा स्टॉक, तो स्टॉक पे क्लिक कर देना है। इसको इनेबल करके इधर ऑरेंज वाले आइकन में क्लिक कर देना है। देख सकते हो हमारा टेक्स्ट जो है ऑरेंज कलर का हो चुका है। आप इधर से जो है इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल हमें इतना 3 तक हमारा सही है, तो 3 ही रख लेते हैं। साइड में क्लिक करना, आप लोगों को इसको भी लॉक कर देना है। इसमें जाके सभी को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको इसको फोटो को छोटा कर लेते हैं। इधर आप लोगों को लिखना है अपनी चैनल का टॉपिक वगैरह, जो भी वीडियो का आप लोग बनाते हो वैसा कुछ लिख देना इधर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। आज हमने लिख लिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। इसको जो आप लोगों को छोटा कर देना है। इसको जो बहुत छोटा कर देना है, लगभग इतना कर देना है। करने के बाद इसको भी लॉक कर देना आप लोगों को। देख सकते हो हमारा बैनर जो है लगभग बनकर तैयार हो, जैसे कि सब्सक्राइब का बटन हम लिख देते इधर। आज देख सकते हो हमने सब्सक्राइब लिख दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करके इसको छोटा कर देंगे, एक कोने में डाल देंगे इसको। हम जब बहुत छोटा कर देंगे लगभग इतना, ये रेड कलर का बटन है तो इसका कलर भी हम इधर से चेंज कर देंगे। इसका स्टॉक लगा देंगे इधर से। बड़ा तो इसको छोटा सा कर देंगे। इतना हो चुका, इतना होने के बाद आपको इधर कुछ नहीं करना। आप अगर और भी ऐड करना चाहते हो इधर अपना टेलीग्राम आईडी वगैरह ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम इंस्टाग्राम आईडी को ही ऐड कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, इसलिए सॉरी गाइस। इसको सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर जाना है इस वाले आइकन पे, और आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। और मतलब आपको इधर अपना कस्टम दिखाई देगा, कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इधर फेरी अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को सेव कर लेना सिंपली। गाइस देख सकते हो हमारा बैनर जो अभी सेव हो चुका है, आप लोगों को दिखा देते हैं सेव हो चुका बैनर। देख सकते हो कितना कूल लग रहा है बैनर हमारा। तो इसको जो इसी तरह से आप लोग जो एक अच्छा सा बैनर आपके चैनल के लिए बना सकते हो। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो आगे लोगों तक शेयर करो, जिन लोगों को बैनर बनाना नहीं आता उन लोगों को भी पता चल जाए कैसे बैनर बनाते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।